नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका सिटी वॉच में। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीतापुर में बाइक की टक्कर से युवक की मौत, बाइक सवार गंभीर रूप से। रामपुर में हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई का नोटिस जारी, पुलिस ने 14,86,500 रुपए की वसूली की, 28 लोगों को भेजा नोटिस। सिद्धार्थनगर में एसडीएम ने धर्मगुरुओं के साथ की बैठक, नागरिकता कानून पर दी जानकारी, झूठी अफवाहों से बचने की अपील। मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में अवैध हथियारों समेत 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल। महोबा में गौवंश पशुओं से भरा कंटेनर बरामद, कंटेनर चालक हुआ क्लीनर फरार। सिटी वॉच में खबरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सीतापुर से पहली खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सीतापुर के थाना मानपुर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस की मदद से घायल को बिस्वा सीएचसी में भर्ती करवाया गया। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान घायल की हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। यहां भी हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि घटना की जानकारी होते ही ग्रामीण उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित ग्रामीणों को शांत किया है। तो सीतापुर की यह पहली खबर, जहां पर आप देख सकते हैं बाइक पलटी हुई है, इसी बाइक से टक्कर हुई है और साइकिल सवार की इस घटना में मौत हो गई है। जो साइकिल सवार था उसकी तो मौत हो गई, लेकिन जो बाइक सवार युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया इस घटना में। उसे पहले तो बिस्वा सीएचसी में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। यहां भी हालत गंभीर बताई जा रही है, इलाज लगातार जारी है। इस घटना को लेकर जब जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वो भी उग्र हो गए, वहां पर हंगामा काटने लगे, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करवाया है। तो ये वही बाइक है आप देख सकते हैं जिससे घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। यह पूरा मामला सीतापुर के थाना मानपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं रामपुर में जो दंगा हुआ नागरिकता कानून को लेकर 21 दिसंबर को, उसमें जो हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, आगजनी और फायरिंग की गई। हिंसा में एक व्यक्ति की हालांकि मौत भी हुई, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं, 12 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। इसमें अब जो हिंसा में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की बात निकलकर सामने आ रही है। हिंसा में 4 मोटरसाइकिलों और पुलिस की एक जीप को भी आग लगाई गई थी। घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन ने आगजनी और तोड़फोड़ में हुए नुकसान का आकलन कर दंगे के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको चिन्हित किया है। दर्जन से ज़्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं और अब इन्हीं से इस नुकसान की भरपाई का इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। रामपुर के एसडीएम फाइनेंस के न्यायालय द्वारा 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को 14,86,500 रुपए उनसे वसूलने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में पुलिस की रिपोर्ट को आधार बनाकर दंगे के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई को कहा गया है। जैसा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मोहम्मद सुजाउद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका में व्यवस्था दी गई थी कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे लोग उत्तरदायी होंगे। रामपुर जिलाधिकारी आंजनीय कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए 28 लोगों को रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है और रिकवरी की जो रकम भेजी गई है उसकी एप्लीकेशन के लिए भी संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया गया है। उनको जवाब का मौका दिया जाएगा और उनके बाद उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी ताकि उनसे उसकी रिकवरी कराई जा सके। यानी कि कुल मिलाकर रामपुर में 21 तारीख को जो भी नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए लोग, पथराव किया, आगजनी की, फायरिंग की गई, 1 शख्स की इसमें मौत भी हो गई, 12 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए, 4 मोटरसाइकिलों को और पुलिस की जीप एक जिसको आग के हवाले कर दिया गया, इन सारी तोड़फोड़ आगजनी के बीच में जो भी नुकसान हुआ है
उसका आकलन अब रामपुर प्रशासन की तरफ से कर लिया गया है। 2 दर्जन लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है कुल मिलाकर, और 14,86,500 रुपए वसूलने का नोटिस जारी किया गया है। उसमें पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू, और जिन लोगों को वहां मौके से अरेस्ट किया गया या जिन लोगों के तथ्य पाए गए हैं कि उन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है 21 दिसंबर को, उन सारे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम पुलिस की तरफ से भेजा गया। एक असेसमेंट भी भेजा गया है कि कितना नुकसान हुआ है। तो इसके आधार पर जो उसके प्राधिकारी हैं एडीएम फाइनेंस, उन्होंने नोटिस इन सारे लोगों को भेजा है जिन 28 लोगों को चिन्हित करके पुलिस के द्वारा भेजा गया है, और जो रकम भेजी गई है कि इतने का नुकसान हुआ है उसकी वेरिफिकेशन के लिए संबंधित विभागों को भी नोटिस जारी की गई है। उनको जवाब का मौका दिया जाएगा और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी ताकि उनसे वो उसकी रिकवरी कराई जा सके। वहीं नागरिकता कानून को लेकर तरह तरह की अफवाहें, झूठ भी फैलाया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब शासन सख्त हो गया है। शासन के निर्देश पर पूरे देश में आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हर जनपद में पीस कमेटी बनाकर जनता को सीए नागरिकता कानून के बारे में जानकारी दी जाए जिससे लोग अफवाहों से बच सके। वहीं शासन के निर्देश पर सिद्धार्थनगर के एसडीएम की अगुवाई में तहसील प्रांगण में दोनों धर्मों के धर्मगुरुओं और जनता के साथ बैठक की गई, साथ ही नागरिकता संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। एसडीएम ने बताया है कि सीएए से देश के किसी भी भारतीय हिंदू और मुसलमान का कोई भी इससे प्रभावित नहीं होगा। सीए सिर्फ 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो नागरिक भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें भारत में नागरिकता देने का है ये पूरा कानून। इस दौरान डुमरियागंज थाना और तहसील प्रशासन भी इस बैठक में मौजूद रहा, यानी कि पीस कमेटी बनाकर लोगों को समझाने का काम लगातार जारी है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सत्ता पक्ष इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्ष की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो तत्व शामिल है जो कहीं ना कहीं शांति नहीं चाहते हैं और देश में अशांति बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में झूठी अफवाहों से बचने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं, और जो भी प्रशासन है वो सीए को लेकर जानकारी दे रहा है। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर नदी किनारे से अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि इन अवैध हथियारों को एटा के थाना जैथरा के ग्राम परौली से खरीद कर लाया गया और मैनपुरी समेत अन्य जनपदों में इसकी तस्करी ये लोग करते थे। वहीं पुलिस ने दोनों अभियुक्तों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्त शातिर तस्कर हैं, काफी वक्त से अवैध हथियारों की तस्करी ये लोग कर रहे थे। वहीं इन शातिर तस्करों को गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम और थाना पुलिस को 10,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। तो मैनपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर ये सारी कार्रवाई की गई। नदी किनारे से अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये एक आदमी घिरौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, एक भोगांव थाना क्षेत्र का। ये दोनों अच्छे असलाह तस्कर होने की इनकी सूचना थी और उन पर गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 8 अदद देसी तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं। एक पौनिया है, उसको भी बरामद किया गया है। कुल 9 असलहे इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। पूछताछ में जानकारी मिली है कि इसमें सुरेश चंद्र और हरबीर सिंह जो गिरफ्तार अपराधी हैं, ये दोनों जनपद एटा के थाना जैथरा क्षेत्र का एक गांव है परौली, वहां से ये बने बनाए असलहे रुपया 2,000 में खरीदते हैं और उसको 3,500 से 4,000 रुपये प्रति असलाह के दर से मैनपुरी जनपद में और आसपास के ज़िलों में बेचने का काम करते हैं। इनको गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई है तो कुछ और नाम सामने आए हैं जिनको ये बेचने जा रहे थे या जिनको अभी बेचने का इनका इरादा था।
वो नाम है, और साथ ही साथ परौली गांव के जो लोग इनसे असलाह खरीद के लाए हैं उनके भी नाम इन्होंने बताए हैं। आगे की रणनीति है, उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट में स्थित लालता पेट्रोल पंप में डीजल खरीद में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। जानकारी के मुताबिक मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी रेणुकूट के मुरधवा में स्थित लालता सिंह एंड सन्स पेट्रोल पंप से डीजल की खरीदारी वो करती थी, लेकिन पेट्रोल पंप की संचालिका गीता देवी, पेट्रोल पंप के मैनेजर उमा शंकर गुप्ता और मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक कर्मचारी सुमन कुमार सिंह ने मिलीभगत से कंपनी के नाम से लाखों रुपए का फर्जी का बिल बनाकर अपने खाते में पेमेंट करा लिया। वहीं फर्जीवाड़े की खबर लगते ही कंपनी मालिक ने डीजल खरीद की कॉपी और दस्तावेज के अलावा मैनेजर के निजी बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करने का स्टेटमेंट फर्जी रसीद के साथ तमाम सबूत पुलिस को दे दिए हैं और शिकायत भी दर्ज करा दी है। तो सोनभद्र का ये पूरा मामला, रेणुकूट में स्थित लालता पेट्रोल पंप में डीजल खरीदारी को लेकर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया, और ये फर्जीवाड़ा किसी और ने नहीं बल्कि अंदर के लोगों ने ही किया। पेट्रोल पंप के मैनेजर उमाशंकर गुप्ता और मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शन के एक कर्मचारी ने मिलकर ये पूरा खेल रचा और दोनों की मिलीभगत से लाखों रुपए की चपेट लगाई गई है मंगल मूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी को। वहीं महोबा में मूर्ति चोरी होने का मामला सामने आया है। यहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने प्राचीन मंदिर में धावा बोल दिया और सैकड़ों साल पुरानी 5 प्रतिमाओं को चोरी कर लिया। सुबह जब भक्त मंदिर पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा उसको देखकर वो दंग रह गए। पुलिस को चोरी की सूचना फिलहाल दे दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुंगिरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी धनुषधारी मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने मंगलवार को भगवान राम जानकी, लक्ष्मण, विष्णु भगवान और दुर्गा माँ की प्रतिमा को चुरा लिया। वहीं बेशकीमती मूर्तियों की चोरी होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में भी खलबली मच गई, जिसके बाद तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल कि जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल कि जां अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले। बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए।
सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर। अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। जरा जोर से कहिए, मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अगली खबर महोबा से है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान गोवंश पशुओं से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने पशु तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वो सभी भाग निकले। अपर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि मध्य रात्रि में ननौरा गांव के निकट पुलिस गश्ती दल ने शक के आधार पर एक ट्रक कंटेनर को रोका, तो चालक और अन्य सवार वाहन छोड़कर भाग निकले। तलाशी में पुलिस को कंटेनर में ठूंस कर भरे हुए 3 दर्जन गोवंश बरामद हुए, जिसके बाद कंटेनर के ड्राइवर, क्लीनर और मालिक पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो महोबा के श्रीनगर क्षेत्र में ननौरा गांव के पास पुलिस ने गश्त के दौरान गोवंश पशुओं से भरा एक कंटेनर बरामद किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गोवंश बंधे पड़े हैं। क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगता है, करीब सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस जब चेकिंग करी तो वहाँ पर एक कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें करीब 26 गोवंश जो बैल प्रजाति के हैं उसमें मिले हैं। पुलिस ने जो मौके पर से ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए, पुलिस ने इसमें 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें ट्रक मालिक और ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जो गोवंश है उसको गौशाला भिजवाने की प्रोसेस चल रही है और मुकदमा दर्ज कर इनके अभियुक्तों के खिलाफ जानकारी करते हुए दबिश और गिरफ्तारी कराई जाएगी। ये क्लोज टाइप का वाहन जो कंटेनर होता है उस टाइप का था, और उसके अंदर इन लोगों ने भरे हुए थे और ये मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहा था, वहीं बॉर्डर के आसपास ही इसको पकड़ा गया है। अगली खबर भी महोबा से है, जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया है। समारोह के दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद व कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह के 119वें जन्मदिन पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण करके उनको याद किया गया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व सांसद विजय कुमार सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र सेंगर ने किया। इस दौरान विजय बहादुर सिंह ने कहा कि हम सभी को एकजुट रहते हुए समाज के लोगों की हर समस्या को उसका समाधान करना चाहिए और समय पर संभव मदद करनी चाहिए। क्षत्रिय महासभा के लिए हमारे अनेक तरह के प्रयास रहेंगे, जैसे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे, जो हमारे समाज में बच्चे निकलते हैं उनको आगे समर्थन देने का प्रयास करेंगे, जो धन अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं व्यवस्था कराएंगे और गरीब बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। ये सब काम करेंगे। मिसाल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ने के मद्देनजर शाहजहांपुर के तमाम प्राचीन मंदिरों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा रहा। वहीं मंदिर के कपाट बंद होने पर लोगों ने बाहर से भी भगवान की पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये सूर्य ग्रहण 296 वर्ष बाद पड़ा है। बता दें कि साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण में सुबह 7:59 से लेकर 10:57 तक ये सूर्य ग्रहण पड़ा। इस दौरान लोगों ने
घरों व मंदिर में भजन कीर्तन किए और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। वहीं श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना की और प्रसाद का भोग लगाया। साथ ही महिलाओं ने मंदिरों में दान दक्षिणा भी की। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 50 साल पहले जन्मे लोग भी पहुंच रहे हैं और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह के दौरान अचानक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की नगर पालिका दफ्तर तक जो है वो पहुंच रहे हैं और अब तक सैकड़ों जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन किए भी जा चुके हैं। हापुड़ नगर पालिका के अधिकारी जेके आनंद का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोग सन 1948 से 1992 तक के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन इतने पुराने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उनको साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आवेदकों की जांच के उपरांत ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती राजधानी लखनऊ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में अटल प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। अटल बिहारी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके सपनों को साकार करेंगे। माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है, जिसमें गोसाईगंज CSC में चलकर हमारे प्रदेश के नेता माननीय संजय शुक्ला जी आए, जहां पे मरीजों को फल वितरण किया गया और तमाम अटल जी के बारे में बड़े बड़े लोगों ने अटल जी के उपलब्धियां गिनाई गई। देश के पूर्व नेता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के चरणों में अपनी फूल विसर्जन करते हुए, अपने चरणों को नमन करते हुए जय हिंद जय भारत। वहीं सिद्धार्थनगर में कंबल वितरण और स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया, साथ ही लोगों में कंबल भी वितरित किए गए। इस मौके पर अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक, ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। 21 दिसंबर स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 95वां साल जन्मदिन है। हर चौराहे पर हम अपनी महान विभूतियों के नाम पर उनके स्मृति में तोरण द्वार की स्थापना करा रहे हैं। एक तो आज हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर तोरण द्वार का लोकार्पण किया है। उन्हीं के नाम पर प्रशासन के सहयोग से इतनी प्रचंड ठंड में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है गरीब परिवारों को। दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का अवतरण दिवस है। इस अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर माननीय विधायक जी के द्वारा एक माननीय जो चौराहे पे तोरण द्वार का लोकार्पण किया गया, साथ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा सभी गरीब दुखियों को, असहायों को कंबल वितरण कराने के लिए माननीय SDM साहब, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ आज वितरित किया जाएगा, जिससे गरीबों का, असहायों को ठंडक से बचने का उपाय। सिद्धार्थनगर में ही जो किराए जो बकायेदार हैं बिजली के, उनके लिए एक आसान किस्त में योजना बनाई गई है, जो बिजली बकायेदारों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। जहां बढ़नी ब्लॉक में गांव और चौराहे पर गाड़ियों से माइक के माध्यम से प्रचार प्रसार इसका किया जा रहा है, जिससे लोग जल्दी बिजली का बकाया बिल जमा कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 किस्त और शहरी क्षेत्र के लिए 12 किस्त में इस योजना को बनाया गया है। जो लोग एक मुश्त बकाया बिल नहीं जमा कर सकते हैं, उनके लिए सरकार ने किस्त का नियम लागू किया है, जिससे लोग आसानी से बिजली के बकाया बिल को जमा कर सकेंगे। वहीं तुलसियापुर गांव में बिजली के बड़े बकायेदारों के 24 कनेक्शन काटे भी जा चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।